दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते। कल हम बात कर रहे थे शनि जी की, शनि महाराज जी के साढ़े साथी के बारे में। आज एक बात करेंगे हम कंटक शनि के बारे में। लोगों को साढ़े साथी का पता है, लेकिन शनि का दैया बोलते हैं ना, ये कंटक शनि बहुत खराब होता है, साढ़े साथी से भी खराब होता है। साढ़े साथी में थोड़ा रिप्यू मिलेगा, लेकिन कंटक शनि में रिप्यू नहीं मिलेगा। समाधान बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल दौर है कंटक शनि। चलिए पहले शिव जी की प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। देखिए दोस्तों, नवग्रह, हर ग्रह का एक कारकत्व है। जैसे चंद्र खुशी को दिखाएगा, सुख को दिखाएगा, शुक्र आपकी जिंदगी में लग्जरी दिखाएगा, गुरु बुद्धि दिखाएगा, हर वो शुभ चीज सब गुरु दिखाएगा। वैसे हर जो अशुभ चीज है, हर जो दुख है, हर जो हानि है, वो सब शनि महाराज दिखाएंगे। उनका काम है वो दिखाएंगे। तो कब कब दिखाएंगे वो, उनका काम है, तो उनका काम करेंगे वो शनि महाराज। तो ये कब दिखाएंगे? देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी है शनि महाराज के बारे में एक चीज पढ़ना कि उनकी दृष्टि बहुत खराब होता है। जिस भी घर पर उनकी दृष्टि पड़ गया ना, वो घर जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उस घर का रिसोर्सेस ड्राई हो जाएगा, शनि महाराज ड्राई कर देते हैं। इसके लिए चंद्र का शनि का नहीं बनता। चंद्र वो है जो सब हरियाली चंद्र है, तो शनि महाराज ड्राई है। अगर चंद्र सोम है तो शनि महाराज उस सोम को पूरा निकाल देंगे, ड्राई कर देंगे। इसलिए क्या है, शनि महाराज की जब गोचर में दशम भाव पे जब दृष्टि पड़ता है, तो वो कंटक कांटा बन जाता है आपकी जिंदगी का, कंटक। जब गोचर में शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव पर हो, तो वो कंटक बन जाता है। दशम भाव टेंथ हाउस, दशम भाव है स्वर्ग, दशम भाव है आपकी जॉब प्रोफेशन, दशम भाव है अर्थ त्रिकोण के केंद्र, दशम भाव है आपका कर्म। दशम भाव, जगह आप जेमिनी पढ़ेंगे हमारे पास, तो अब आपको बाद में पता चलेगा कि दशम भाव भी आयुष का आयुष दिखाता है। जैसे लग्नेश आयुष दिखाता है ना, अष्टमेश, और ऐसे दशम का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लॉन्जेविटी आयुष में। तो इतना इंपॉर्टेंट भाव पे जब शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी ना, तो हो गया खेल खत्म, वो कंटक बन जाते हैं। कंटक शनि में क्या होगा, सबसे तेज भागने वाला घोड़ा भी लंगड़ा हो जाएगा, हर चीज रुक जाएगी, थम जाएगी, चारों तरफ से नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। चलिए कैसे शनि महाराज कंटक बनते देखते हैं। देखिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लग्न, एक चंद्र लग्न, एक जन्म लग्न, एक चंद्र लग्न, और एक होता है अरुण लग्न। अरुण लग्न मतलब आपकी इमेज, आप हो जैसे हो, लेकिन आपकी इच्छा भी इमेज क्या है सोसाइटी में, वो है आपका अरुण लग्न। तो आप कैसे भी हो, देखिए एग्जांपल देता हूं, कुछ पॉलिटिशियंस होते वो गांव देहात में जब जाएंगे तो लोग उनको भगवान की जैसा देखते हैं, लेकिन होते कुछ चोर जैसे भी होते हैं वो लोग, लेकिन होते कुछ और है, लेकिन उनकी छवि कुछ और होती है। ये है अरुण लग्न, जो हो है आप, वो आपका लग्न है, सत्य केंद्र है, सत्यपीठ है वो, लेकिन जो आप दिखा रहे हो दुनिया को, वो आपकी अरुण लग्न है। तो ये अरुण लग्न से, चंद्र लग्न से और जन्म लग्न से शनि महाराज की दृष्टि जब दशम में पड़ता है ना, इनसे, इन भावों से, लग्न से दशम भाव, चंद्र से दशम भाव, अरुण की दशम भाव, ये दशम भाव सभी एक ही जैसा। चंद्र से दशम भाव तो वो एक तरह अभिजीत है, धन आता है वहां से, जैसे लग्न से दशम भाव देखते हैं ना, ऐसे चंद्र से दशम और अरुण से भी दशम भाव का सेम ही है। जब शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, साढ़े साते से भी बहुत डेंजर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रही है, शनि महाराज की स्पेशल दृष्टि पड़ना चाहिए, पूर्ण दृष्टि। हर ग्रह को कुछ स्पेशल दृष्टि है। जनरली जो ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे राहु है और जैसे गुरु है, मंगल है, शनि महाराज है, इनके लिए कुछ स्पेशल दृष्टि है।
जैसे बृहस्पति के लिए पंचम और नवम पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण पद दृष्टि हम बोलते हैं, वैसे शनि महाराज के लिए तृतीय और दशम, थर्ड हाउस एंड टेंथ हाउस एस्पेक्ट, क्योंकि शनि बूढ़ा प्लैनेट है ना, थर्ड हाउस टेंथ हाउस ऊपर है, वो ही वांटेड टू ग्रो और अपनी ग्रोथ में सबको मार देगा। तो क्या होगा जब गोचर में शनि महाराज की दृष्टि थर्ड हाउस की दृष्टि या टेंथ हाउस की दृष्टि, वो टेंथ हाउस पे पड़ता है ना पर्टिकुलर भाव से, तो आदमी पिट जाता है बहुत बुरी तरह से। देखिए जब लग्न में या चंद्र के ऊपर और जब अरुणा लग्न पे शनि महाराज होता है ना, उनकी दृष्टि दशम में आ जाता है। वो चंद्र से लग्न से अरुण से अगर उसी घर में हो तो वहां से दशम में दृष्टि आएगा। अगर लग्न से हो या चंद्र से हो या अरुण से अष्टम में जब शनि का गोचर होगा ना, तो उनकी तृतीय दृष्टि दशम भाव पे आएगा। जब लग्न पे हो तो दशम दृष्टि दशम भाव पे आएगा, जब अष्टम में हो इन तीनों भाव से तो उनकी तृतीय दृष्टि दशम पे आएगा, और जब दशम में गोचर करेंगे लग्न से चंद्र से या अरुण से तो वहां ही बैठे रहेंगे। तो ये तीन जगहों में शनि कंटक बन जाता है। कंटक शनि में क्या होगा क्या नहीं हो सकता आपके साथ, आप बर्बाद हो सकते हो। हमने देखा है बड़े बड़े बिजनेस शट हो के बर्बाद हो गए, बैंकरप्ट हो गए। कंटक शनि बहुत बहुत दर्दनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है, जो जोर से दौड़ने वाला घोड़ा भी लंगड़ा ना लग जाता है। आदमी का जॉब चला जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, हर चीज को लेके टेंशन, बहुत बहुत बुरा टाइम है। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कांटा छुप गया आपके यहां, आप चल ही नहीं सकते, शनि महाराज जैसे जिंदगी स्लो हो जाएगा, पूरा स्लो मोशन हो जाएगा, लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो यह है कंटक शनि। कंटक शनि बहुत खराब होता है। साढ़े साथी के ऊपर इतना, साढ़े साथी के ऊपर मैंने कल बोला कि बीच बीच में साढ़े साथी थोड़ा रिलीफ देता है, लेकिन कंटक रिलीफ नहीं देता, शनि की दृष्टि है ना वो जला देता है। तो इसके लिए मित्रों कंटक शनि अगर आपकी यहां चल रहा है ना हॉरोस्कोप में, तो जरूर जरूर उसका उपाय कीजिए। कंटक शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, मैं बोला था आदमी रोएगा, आंसू टपकेंगे तो रुद्रदेव आपकी आंसू को पहुंचा के आपको समाधान देंगे। एक जनरल नेचुरल रेमेडी है श्री रुद्रम चा श्री रुद्र नमकम का हर सुबह जाप करना, और श्री रुद्र चमकम, नमकम होने के बाद चमकम में तृतीय अध्याय है, तृतीय हम लोग उसको होते तर्ड अनुवाक, तृतीय अनुवाक अध्याय नहीं अनुवाक, शंचमे मयश्चमे प्रेंचमे नुकामश्चमे, इनको करना याद रहिए, इनको ब्रह्म मुहूर्त में करना। मैंने उस दिन बोला था जब शनि महाराज के बारे में कहा था कि शनि का कोई भी रेमेडी हो सूरज आसमान में रहे तो नहीं करना चाहिए, आदमी गरीब बन जाता है, कोई रेमेडी काम नहीं करेगा। शनि अंधेरा है, सूरज रोशनी है, साथ में नहीं रह सकते। तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, मस्ट एंड श्योर ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और कंटक शनि के बहुत बहुत सटीक और स्ट्रांग रेमेडी है हमारा गुरुकुल में, हमारा ट्रेडिशन में। अगर चल रहा है तो कंठक जब आप करेंगे तब आप बता देंगे, लेकिन याद रहे कंटक शनि बहुत खराब होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है ये कंटक शनि। जब ये शुरू हो जाएगा स्लोली स्लोली आदमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके लिए जरूर इनको जन्म लग्न से, जन्म चंद्र से, चंद्र लग्न से और आरूढ़ लग्न से देखिए। तो दशम भाव का पिटना मतलब स्वर्ग, दशम भाव स्वर्ग है ना, जब पिट गया आप ऊपर से नीचे गिर गए, जब आप ऊपर से नीचे गिरे तो कौन पकड़ेगा आपको, वायु ना, हनुमान जी रुद्र, रुद्र ही पकड़ेंगे ना आपको। आसमान से जब गिरोगे दशम भाव मतलब आसमान स्वर्ग आकाश लग्न, आप गिर जाओगे वहां से, शनि की दृष्टि वहां पड़ गए ना आप गिर जाओगे, तुरंत गिर जाओगे, तब रुद्रदेव आपका सहायता करेंगे। ये है कंटक शनि के बारे में। बहुत ही ज्यादा इसको वैल्यू दीजिए, बहुत ही ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दीजिए। जब भी कोई हार उसको पाता है ठीक से पढ़िए, और कंटक शनि जब चल रहा है ना तो आदमियों को करेक्ट रेमेडी लेकर उनको उसे बाहर लाइए, क्योंकि आदमी का जमा पूंजी सब निकल जाएगा, वो अपनी पूरा सा पूरी जिंदगी का मेहनत पानी पे पिट जाएगा, सब कुछ खो जाएगा वो आदमी।
या ऐसी घटना हो जाएंगी जिसका भरपाई वो कर नहीं पाएगा। इसके लिए मित्रों कंटक शैली का उपाय सटीक तरह से कीजिए। आओ जैमिनी, हमारे जैमिनी में, जैमिनी सूत्र में महर्षि जी ने रुद्रांश में रुद्र का मंत्र करने को कहा है। वो जब जैमिनी आप सीखेंगे तब आप सीखोगे, स्पेशल मंत्र है वो, ऐसा ही कुछ स्पेशल रेमेडीज है कंटक शनि के बारे में, बहुत सटीक काम करता है। तो मित्रों ये मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितनी ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे आपको मिलेगा। तो खुश रहिए, देखते रहिए मेरी जो यूट्यूब चैनल, और लोगों को रेफरेंस भी देते रहिए। मेरा वेबसाइट है www.jaimini-isha.com, मेरा ईमेल आईडी सब कुछ है, कंसल्टेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमः शिवाय।